अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मुफी नजा और आप लोग देख रहे हैं ट्वेंटी चैनल दोस्तों क्लास चल रही है हमारी डेटा कम्युनिकेशन की और आज उस सीरीज का हमारा उन्नीसवा लेक्चर है दोस्तों आज की क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लेक् मल्टीप्लैक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम मुख्तलि एक्साम हैं उनको देखेंगे और ना सिर्फ उनको देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे हम मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो क्यों यूज करते हैं इससे पहले हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने अपनी जो पिछली क्लास है वो खत्म की थी ऑन दैट के हम कैसे एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इन टू एनालॉग सिग्नल बायूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स विच आर एम्प्लीट्यूट मॉडलेशन फी मॉडलेशन एंड फेज मॉडलेशन आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सिंग के हवाले से हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है और उसकी जो सब टाइप्स है उनको भी देखेंगे तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल इन टू द वन सिग्नल बहुत सारे जो सिग्नल हैं उनको हम एक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं ओवर अ शेयर मीडियम इफ एनलॉग सिग्नल आर मल्टीप्लेक्सड इट्स एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग एंड इफ डिजिटल सिग्नल आर मल्टीप्लेक्सड दैट द प्रोसेस इफ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग अगर <coughs> हमारे एनालॉग सिग्नल हैं तो उसको हम एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे और अगर डिजिटल सिग्नल हैं तो उनको डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे मल्टीप्लेक्सिंग आर इज अ वे ऑफ सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल आर अ स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ कम्युनिकेशन लिंक एट द सेम टाइम इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल कॉम्प्लेक्स सिग्नल वेन द सिग्नल इज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन अ प्रोसेस इज कॉल्ड डीप मल्टीप्लेक्सिंग आर डी मार्क्सिंग रिकवर द फैब्रिक सिग्नल एंड आउटपुट दम टू इंडिविजुअल लाइन अब यहां पर ये बताया गया कि जैसे आपको ये इस डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है कि हमारे देखें ये कुछ चार जो है वो इनपुट सिग्नल आ रहे हैं अब इन चार इनपुट सिग्नल से एक सिग्नल जनरेट होगा और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम कहेंगे मल्टीप्लेक्सिंग या मास्किंग अब जब ये चार सिग्नल uh, एक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो इस प्रोसेस को जो है हम कहेंगे डी मल्टीप्लेक्सिंग या डी मास्किंग ना मास्किंग ना तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर होता है जो इन चार सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इन वन सिग्नल और यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर होता है जो इस एक सिग्नल को वापस उसकी ओरिजिनल आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करता है तो ये बेसिकली प्रोसेस है मल्टीप्लेक्सिंग का अब जब हमें ये पता चल गया कि मल्टीप्लेक्सिंग या डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या है उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि यहां पे आपकी जो है ये जो चार सिग्नल कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द वन सिग्नल इसको हम कहेंगे कि ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है ये जब आपने अगर डेटा बेस पढ़ी है तो आपको रिलेशनशिप का पता होगा तो यहाँ पे मैनी टू वन है कि बहुत सारे जो सिग्नल हैं वो एक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और यहां पे जो है वो वन टू मैनी है कि एक सिग्नल से आगे फिर वापस आउटपुट में आ रहे हैं बहुत सारे सिग्नल इस मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग को देखने के बाद अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये हमें जो मल्टीप्लेक्सिंग है इसकी शादी है क्यों हम लोग जो है मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं तो इसकी भी बहुत सारी वजूहत है यहां पे हम दो को देख लेते हैं टू बेटर यूटिलाइज केयर आर एक्सपेंसिव नेटवर्क रिसोर्सिस हमारे पास uh, जो है सम टाइम जो रिसोर्सिस हैं वो बहुत कम होते हैं और इसमें फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस द सेटेलाइट अपलिंक और केबल और फाइबर स्टैंड रनिंग बिटवीन द मेजर मेट्रोपोलिटन एरियाज नेटवर्क के हमारे पास जो है एंटीनाज बहुत कम होते हैं हमारे पास जो नेटवर्क डिवाइस हैं वो बहुत कम होती हैं सम टाइम हमारे पास जो बैंडवे है उसकी भी हम बेटर यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी है या जो एक्सपेंसिव रिसोर्स हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग जो है मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं सेकंड पे लिखा हुआ है द इनएबल नेटवर्क डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट नेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन ईच डिसेज ऑल दो मल्टीप्लेक्सिंग स्टील रिक्वायर्ड शेयर मीडिया के हमारे पास जो है समाइम हाँ, ये होता है कि हम जब कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड जो है वो लिंक की जरूरत होती है या कनेक्शन की जरूरत होती है लेकिन जब हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं तो हमें फिर वो जो डेडिकेटेड लिंक या डेडिकेटेड कनेक्शन है उसकी जरूरत नहीं होती और विदाउट दिस डेडिकेटेड लिंक हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑवर डेस्टिनेशन अपने डेस्टिनेशन के साथ दोस्तों ये तो मल्टीप्लेक्सिंग हो गया और हमने ये भी देखा कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसकी बेटर यूटिलाइजेशन के लिए बैंडविथ की बेटर यूटिलाइजेशन के लिए वैसे पैंटवे की यूटिलाइजेशन के लिए एक और भी चीज यूज की जाती है वो इंशाल्लाह हम अगले अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सिंग को देख रहे हैं तो अब हम जो है मल्टीप्लेक्सिंग की जो मुख्तलिफ अकसम है उनकी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहे हैं जिसपे मल्टी आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है जिसपे मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो दो किस्म की हो सकती है एक एनालॉग सिग्नल की हो सकती है और दूसरी डिजिटल सिग्नल की हो सकती है तो जो डिजिटल एनालॉग सिग्नल है इसकी जो है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग आती है एफ डी एम कहा जाता है और जो आपकी वेव लेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग है इसको WDM कहा जाता है और ये दोनों जो है आपकी एनालॉग के अंदर आती है इसी तरह जो डिजिटल के अंदर आती है इसको हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं इसको फर्दर सिंक्रोनेस टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और ए सिंक्रोनेस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर डिवाइड किया गया ये दोनों भी हम आज की क्लास में देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग को देखते हैं दिस टेक्निक वेरियस फ्रीक्वेंसी कंबाइन स्ट्रीम ऑफ डेटा फॉर सेंडिंग दम और न कनेक्शन मीडियम एज अ अगल लिंक इसके अंदर हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को जमा करके और फिर एक फिंगर हिट करते हैं इसकी जो एग्जांपल है वो टेलीविजन ट्रांसमीटर की यहां पे दी गई है जिसको हम जो है सेंड अ नंबर ऑफ चैनल थ्रू आ सिंगल केबल के बहुत सारे जो चैनल होते हैं वो हम जो है एक जैसे आपने केबल नेटवर्क की मिसाल सुनी होगी ये जो केबल वाले हम केबल लगवाते हैं घरों में टेलीविजन तो उसमें बहुत सारे जो चैनल हैं वो होते हैं लेकिन वो आगे एक केबल के ऊपर ट्रांसमिट किए जाते हैं और वो केबल हमें दी जाती है और उससे फिर हमारे पास मल्टीपल चैनल्स चलते हैं जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की एक एग्जांपल है इसके बाद हमारे पास <coughs> दूसरी जो चीज है वो है जी वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अब वेव डिवीजन इन दिस टेक्निक डेटा स्ट्रीम ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ आर ट्रांसमिटेड इन द लाइट स्पेक्ट्रम अब जो दूसरी मैंने आपको बताई थी वो स्पेक्ट्रम ही टेक्निक है लेकिन यहां पे हम मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ रहे हैं तो हम मल्टीप्लेक्सिंग की ही बात करेंगे तो वेव लेंथ जो है उन सबको कमाइन किया जाता है और लाइट की सूरत में जो है उनको कमाइन किया जाता है और लाइट की सूरत में जो है एक सिग्नल के ऊपर उसको ट्रांसफर किया जाता है इससे फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जो है वो डिक्रीज नहीं होती तो ऑप्टिमल फाइबर कम्युनिकेशन यूज द वेवल्थ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक मार्च द डिफरेंट वेवलैंड इनटू टू अ सिंगल लाइट आर कम्युनिकेटिंग हमारी जो फाइबर ऑप्टिक है बहुत सारी जब फाइबर ऑप्टिक को मिलाया जाता तो वो फिर एक सिग्नल के थ्रू तो फाइबर ऑप्टिक जो है वो इसकी एग्जांपल है इसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है अब टाइम डिवीजन के अंदर क्या होता है टाइम डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट स्लॉट्स दिस टेक्निक इज यूज टू द ट्रांसमिट अग्नल ओवर अ सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल विदाउट एलोकेटिंग वन स्लॉट फॉर ईच मैसेज ऑल ऑफ द टाइप टीडीएम द मेनोन एन ए सिंक्रोनस टीडीएम यानी कि हमारे पास इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया एक सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और एक ए सिंक्रोनस टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग है हम अगली स्लाइड देखते हैं कि हमारे पास ये जो सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस है इनके अंदर फर्क क्या होता है तो यहां पे देखें सबसे पहले सिंक्रोनस का है कि इन सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द इनपुट इज कनेक्टेड टू द फ्रेम इफ देयर आर एन नंबर ऑफ कनेक्शन देन द फ्रेम इज डिवाइडेड इन टू द एन टाइम स्लॉट वन स्लॉट इज एलोकेटेड फॉर ईच इनपुट लाइन इन दिस टेक्निक द सिंपलिंग सैम्पलिंग रेट इज कॉमन टू ऑल सिग्नल एंड हेन्स सेम क्लॉक इनपुट इज गिवन द मास्क एलोकेट द सेम स्लॉट इस एट ऑल टाइम और इसके बाद हम दूसरी ए सिंक्रोनेस को भी साथ पढ़ लेते हैं और फिर में जो है आपको आप समझ ले मुख्तसर जामे डेफिनेशन के थ्रू जो है समझाऊंगा कि सिंक्रोनेस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क है इन ए सिंक्रोनेस टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग द सिंपलिंग रेट इज डिफरेंट फॉर ईच

सिंक्रोनेस जो आपकी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है इसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास दस स्लॉट्स होंगी और हर स्लॉट के ऊपर एक इनपुट जो स्लॉट है वो मैसेज जाएगा और जो है वो डेस्टिनेशन वहां तक पहुंच जाएगा जो ए सिंक्रोनेस है ए शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करना छोड़ गया था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डाउनलोड करके देख लेते थे तो जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होता था तो आप लोगों से तमाम से यही गुजारिश है कि आप लोग जो मेरी वीडियोज हैं वो यूट्यूब पे ही देखा करें ताकि मुझे भी फायदा हो आप लोगों का हो आप लोगों से और जो है मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता रहूं इसके बाद हम बात करते हैं ए एंक्रोन अब ए एंक्रोनेस का आप ये देखें कि हमारे पास वही दस लाइन है मैसेज की अब जब ए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आएगी तो उसमें एक ही लाइन होती है क्लॉक लाइन में सबसे पहले पहला लाइन का जो मैसेज है वो ट्रैवल करके डेस्टिनेशन तक जाएगा और जब वो लाइन फ्री होगी तो फिर हमारा जो दूसरी लाइन का मैसेज है वो उस लाइन पर ट्रेवल करके डेस्टिनेशन तक जाएगा फिर हमारे तीसरी लाइन का मैसेज जब वो लाइन एक सिंगल फ्री होगी तो तीसरा में तो हम ये कह सकते हैं कि सिंक्रोनेस के अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल जो है वो लाइंस अवेलेबल हैं फॉर ईच इनपुट और जो ए सिंक्रोनेस है उसके लिए हमारे पास ए की लाइन अवेलेबल है फॉर ऑल मैसेजेस सेंडिंग फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन तो ये बेसिकली फर्क है आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एकेशन और ए सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी हम कह सकते हैं इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनेस जो है वो समझ आ गया होगा तो दोस्तों हमारी जो क्लास है उसका भी टाइम जो है वो तकरीबन खत्म हो गया हम आज की अपनी क्लास भी कहीं पे खत्म करेंगे और आज की क्लास के अंदर जो है हम लोगों ने बात की मल्टीप्लेक्सिंग की तो यहां पे जो है वो समरी आ रही है आपकी पिछली क्लास की एम्प्लीट्यूड किंग और फ्रीक्वेंसी तो लेकिन आज की हमारी जो क्लास की समरी है वो यही है कि हमने मल्टीप्लेक्सिंग की बात की और उसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को देखा हमने वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को देखा और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को देखा उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप उसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें जिनका ये सब्जेक्ट है ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले और मिलते हैं हम अगली डेटा कम्युनिकेशन वक़्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों अल्लाह